नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की रीजनिंग क्लास में। और साथियों, आज भी रीजनिंग में मेरा टॉपिक रक्त संबंधी है। रक्त संबंध चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले से दो वीडियो डाले हैं, आप उन वीडियो में रक्त संबंध की स्टार्टिंग की चीज़ें, रक्त संबंध के बहुत सारे सवाल को आप हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का अंतिम पार्ट, पार्ट 3 करके ये मेरा वीडियो है। और मैं अपने इस वीडियो में रक्त संबंध की बची हुई सारी चीज़ों को आज समाप्त करूंगा। और इसके बाद मेरा ये दावा है, मुझे ये विश्वास है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यदि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी साथी को दिक्कत होती है तो वो कमेंट में बता देगा, कमेंट में जाके प्रश्न पूछ लेगा, उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। साथियों, बिना देर किए हम सीधे बढ़ते हैं सवाल की ओर। रक्त संबंध का ये मेरा पार्ट 3 तीसरा वीडियो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को आज यहाँ पर क्लोज कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। आज अगर आप बोर्ड देखें तो मैंने ये दो प्रश्न लिखे हुए हैं, और इन दोनों प्रश्नों को हल करने के बाद मैं आपको रक्त संबंध चैप्टर की समीकरण वाले सवाल कैसे हल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे x प्लस वाई का अर्थ ये है, x माइनस वाई का अर्थ ये है, x गुणे वाई का अर्थ ये है, x भागे वाई का अर्थ ये है। आपने ये सवाल सुने होंगे और देखे होंगे। मैं इन दोनों सवालों के बाद उस सवाल पर आता हूँ। बात करते हैं पहले सवाल की। इसमें लिखा हुआ है कि ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। ये उस तरह का सवाल नहीं है कि कोई किसी की ओर इशारा करे, कोई किसी की ओर परिचय दे, कोई किसी की ओर संकेत करे। वो सवाल मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, एक टाइप वो हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पर कोई परिचय देने की बात, कोई संकेत करने की बात नहीं की जाती है, सीधे से आपको शब्द दिए जाएंगे और आपको हर एक वाक्य के आधार पर सवाल को हल करना होगा। और तीसरा टाइप वो समीकरण वाला टाइप जो मैंने अभी आपको बताया। सवाल पर आते हैं। ई बी की बहन है, रीडिंग में जितना कहता जाए आप उतना काम करते चलो, जहाँ तक आपको समझ में आए आप काम करते चलो, जहाँ आपको समझ में ना आए, जो लाइन समझ में ना आए आप उस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ऐसे करना है आपको। ई बी की बहन है तो आप बना दो, ये हो गया ई, ई ई बी की बहन है, ई बहन है किसकी, बी की, भाई ई बी की बहन है, और ई बहन है तो इसका मतलब महिला है, बहन है तो इसका मतलब महिला है, और ये किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ये बी बगल बन जाएगा। अब बी क्या है, अभी ये क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है कि ये महिला है। अगर पुरुष होता तो भाई हो जाता, अगर महिला होती तो ये बहन हो जाती, है कि नहीं। ई बी की बहन है, ई बहन है महिला है, इसीलिए हमने त्रिकोण चित्र बना दिया। बी भाई है या बहन क्लियर नहीं है, ठीक है छोड़ दीजिए। ई बी की बहन, तो बी की बहन ई बगल बन गई। ए सी का पिता है, अब आपको ए और सी ये दोनों नए नाम, ये दोनों नए व्यक्ति, और ए और सी का बी और ई से कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है। समझ में आपको ये बात कम आ रही है, तुरंत ये लाइन ही छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बी सी का पुत्र है, अब बी सी का पुत्र है, ये देखिए मिल गया आपको भी उस वाक्य का, यहाँ बी से कनेक्शन बन गया। बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी का, बी पुत्र है, पुत्र है मतलब ये बी हो गया आपका पुरुष, और बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, इसका मतलब सी इसके गार्जियन है। अब गार्जियन में माता है या पिता है ये क्लियर नहीं है अभी। बी सी का पुत्र है तो बी पुत्र है यानी पुरुष है, किसका पुत्र है, सी का, तो गार्जियन ऊपर बैठेंगे, ये हो गया गार्जियन। अब सी पुरुष है या महिला है, माता है या पिता है क्लियर नहीं है, ये है कि सी गार्जियन है। अगर सी बी के पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, तो ई के भी तो होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए, और इन दोनों के माता या पिता सी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने जो सेंटेंस छोड़ा था उस पर लौट आइए। आपने छोड़ा था ए सी का पिता है, ए सी का पिता, अभी सी का पिता आप कहाँ बनाएंगे, सी के पिता को आप कहाँ बनाएंगे, आप सी के पिता को ऊपर बनाएंगे, ये देखिए, और सी के पिता है ए, तो इस तरह से कैपिटल ए लिख दिया, ए सी का पिता, तो सी का पिता ये हो गया आपका ए बन गया, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है तब ए का ई से क्या संबंध है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, क्या आप इस सवाल का निश्चित उत्तर दे सकते हैं। ध्यान देखिए, ई बी भाई बहन, एक पुरुष और एक महिला अगर बगल बगल में है तो या तो भाई बहन या तो पति पत्नी, मैंने बताया था आपको ये भाई बहन हो गए। अब इन दोनों के पेरेंट यानी गार्जियन सी हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि सी माता है किसी पिता है,
सी के पिता ए है, पुरुष है, ये क्लियर है। अब संबंध पूछा गया है, भाई अगर आप सी को महिला मानते हो, अगर आप सी को महिला मानते हैं तो इन दोनों की ये माता हो जाएंगी, और माता के पिता क्या होंगे, माता के पिता नाना हो जाएंगे, क्लियर हुआ। और यदि आप सी को पुरुष मानते हैं, अगर आप सी को पुरुष मानते हैं तो इन दो भाई बहनों के ये पिता हो जाएंगे, और पिता के पिता तो ए दादा हो जाएगा। मतलब अगर सी महिला है तो ये हो जाएंगे नाना, और अगर सी पुरुष है तो ये हो जाएंगे दादा। अब इस सवाल का जो विकल्प है वो देखिए, आपको दिया हुआ है ससुर, दूसरा दिया हुआ है दादा, तीसरा दिया हुआ है भाई, और चौथा दिया हुआ है पोता, ये। और सवाल में कहा जा रहा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है। अब आपके सामने विकल्प है, दो ही उत्तर आ सकता है, दादा या नाना। क्या विकल्प में नाना है? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका दादा हो जाएगा। भाई ये दोनों भाई बहन, और इन दोनों की ये पिता या माता, अगर ये महिला है तो माता, तो इस तरह से नाना हो जाएंगे, और अगर ये पुरुष है पिता तो ये दादा हो जाएंगे। विकल्प के अकॉर्डिंग आपका उत्तर आएगा दादा। इस तरह से भी प्रश्नों को करते हैं हम, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ देखिए दिया हुआ है ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन ए सी की माता है, डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का रिश्ता बताइए आप। सवाल को आपने तेजी से पढ़ लिया, और एक एक काम करते चलिए। ये देखिए ए का भाई है बी, बी भाई है, मतलब बी हो गया पुरुष, और बी किसका भाई है? ए का भाई है, तो ए बगली होगा, चाहे आप इस बगल बनाओ चाहे आप इस बगल बनाओ। और अभी ए का क्लियर नहीं है कि ए पुरुष है महिला, भाई भाई का भी भाई हो सकता है और बहन का भी भाई हो सकता है बी, तो ए को छोड़ दीजिए आप। जिसकी कंडीशन क्लियर हो उसका ही फिगर हम चौकोर या त्रिकोण बनाएंगे। एक काम खत्म हो गया, ए का भाई है बी, तो ए का भाई है बी, बी भाई है तो पुरुष है, तो चौकोर बना दिया। जिसकी इकलौती बहन ए, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए, तो यहां देखिए नीचे आप, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए, इसकी इकलौती बहन ए यानी ए महिला है, बहन है ये, क्लियर हो गया। और इसी ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर जिसकी या जो, अगर जिसकी और जो दिया हो, आपको शुरू में दो आदमी हो, ये कहा जाए कि ए का भाई है बी जो खेल खेलता है, ए का भाई है बी जो गाना गाता है, ए का भाई है बी जो पढ़ता है, तो ये जो और जिसकी, जो और जिसकी हमेशा दूसरे वाले के बारे में कहा जाएगा। जो और जिसकी का संबंध पास वाले व्यक्ति से होगा, दूर वाले व्यक्ति से नहीं, ये दूसरे व्यक्ति से ही जो और जिसकी का संबंध होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में सिटिंग अरेंजमेंट में ये बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। भाई ए का भाई है बी बन गया, जिसकी इकलौती बहन ए, तो किसकी इकलौती बहन ए? बी की इकलौती बहन ए, तो बी की इकलौती बहन ए। सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन ए सी की माता है, इकलौती बहन जो ये ए है ये सी की माँ है, ए माँ है सी की, इसका मतलब सी इसकी संतान है, और सी संतान है तो नीचे, अब संतान में पुत्र है या पुत्री क्लियर नहीं है तो नाम लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना काम आपका हो गया, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए सी की माता है, ठीक है। डी माँ की ओर से सी की नानी है, अब डी जो है वो माँ की ओर से सी की नानी है, भाई नानी माँ की ओर से ही होती है, पिता की ओर से नहीं। सवाल को उन्होंने थोड़ा लंबा लिख दिया कि आपको लगे ये कौन सा सेंटेंस आ गया, कुछ मतलब नहीं आपको, आप सीधी सी बात, डी माँ की ओर से सी की नानी है, मतलब डी सी की नानी है, ये इसका मतलब हुआ, तो डी सी की नानी है। अब सी की नानी कहाँ बनेगी? सी की माँ ऊपर हो गई, और माँ की माँ, ये देखिए ये हो गया आपका डी, तो डी सी की नानी हो गई। इतना ही सवाल में क्लियर है, सी पुरुष है महिला है ये क्लियर नहीं है। आइए आप आगे, डी के साथ ए का रिश्ता, डी के साथ ए का रिश्ता, डी के साथ ए का रिश्ता आपको बताना है, डी के साथ ए का रिश्ता, किसका? ए का, किसका? ए का, तो आप ए का पद बता दीजिए, ए की पोजिशन बता दीजिए। अब डी और ए में क्या रिश्ता है? डी और ए में माँ पुत्री, माँ और बेटी का रिश्ता है, और इसमें माँ है डी,
ए है पुत्री और ए का पद बताना है, तो विकल्प आपका क्या होगा? पुत्री। इस तरह से ये आपका सही उत्तर आ जाएगा सवाल का, पुत्री। क्लियर हुआ? अभी मैं आपसे पूछूं भाई, सी का डी से क्या संबंध है? सी का संबंध डी से बताइए, सी का। तो ये डी है, डी की बेटी की संतान। अब अगर बेटी का बेटा है तो नाती, अगर बेटी की बेटी है ये तो नातिन। क्लियर हुआ? इस तरह से आप प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम बिना देर किए आपको नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं साथियों। साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, और आपका सवाल आपके सामने है। मैं सवाल को तेजी के साथ पढ़ता हूं और फिर इसको हल करते हैं साथ में। यदि यम गुणे एन का तात्पर्य है एम पुत्री है एन की, यम धन यन का तात्पर्य है एम पिता है एन का, यम भागे एन का तात्पर्य है एम माता है एन की, तथा यम ऋण यन का तात्पर्य है एम भाई है एन का, तो पी भागे क्यू धन आर ऋण टी गुणे के समीकरण में पी का के साथ क्या संबंध है? ये आपको दिया हुआ है। एम गुणे एन है, फिर आपका आगे एम प्लस एन है, फिर आपका एम माइनस एन है, फिर ये एम डिवाइड भाग का निशान एन है। इस तरह से आपको मैथ के कुछ निशान प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके ये कुछ समीकरण दिए हुए हैं, और फाइनली आपसे एक यहाँ पर बड़ा समीकरण दिया गया है, मैंने अंडरलाइन किया है। ये पी भागे क्यू, ये धन आर, और ये माइनस का निशान टी गुणे के समीकरण में पी का के क्या, पी का के साथ क्या संबंध है? साथियों इस सवाल को हल करने के लिए आप सबसे पहले फोकस करो अपने समीकरण पे। ये समीकरण आपके सामने जो मैंने अंडरलाइन किया है, P भागे Q धन R ऋण T गुणे K। अब P का K के साथ क्या संबंध है पूछा है? P का T के साथ संबंध पूछ सकते हैं, Q का K के साथ पूछ सकते हैं, K का R के साथ पूछ सकते हैं, किन्हीं का भी संबंध किन्हीं के साथ पूछ सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समीकरण में पांच अक्षरों का प्रयोग किया गया है, फाइव लेटर। P है, Q है, R है, T है और K है। पांच अक्षर हो गए और चार तरह के निशान हो गए, जोड़ घटाना गुणा और भाग। ये भाग का निशान, ये जोड़ का निशान, ये घटाने का निशान और ये गुणे का निशान। चार तरह के निशान हैं और पांच अक्षर हैं। ये आपके सामने जो समीकरण है, इससे कम भी और इससे ज़्यादा भी कंडीशन हो सकती है, चार ही अक्षर तीन तरह का निशान हो। हमें इस समीकरण को हल करके बताना है कि पी का के साथ क्या संबंध है, पी का के साथ या के का पी के साथ, क्यू का के साथ, कुछ भी पूछे आपको परेशान नहीं होना है। हमें इसी समीकरण को हल करना है, और हल करने के लिए जितने भी अक्षर होंगे उससे एक कम, छोटे छोटे समीकरण बनेंगे। यहाँ कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं? पांच। जितने अक्षर होंगे उससे एक कम, तो अक्षर पांच हैं, पांच से एक कम चार, चार छोटे छोटे समीकरण बनेंगे। यह आप समझने के लिए यहाँ पर कितने तरह के निशान का प्रयोग किया गया है, जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो जितने निशान हैं उतने समीकरण बनेंगे, चार निशान हैं तो चार समीकरण बनेंगे, या पांच अक्षर हैं तो जितने अक्षर होंगे उससे एक कम चार छोटे छोटे समीकरण बनेंगे। कुल मिलाकर के इस समीकरण से चार छोटे छोटे दो दो अक्षरों के समीकरण आप बनाइए और उन समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के बाद उनका आप फिगर बनाइए और उत्तर निकालिए। इतना आप करना है, थोड़ा ध्यान से करना है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो पहला समीकरण आपका हो गया ये P भागे Q। तो देखिए आपको P भागे Q, फिर दूसरा देखिए आप ये Q धन R वाला, Q धन R, तीसरा R माइनस T, ये देखिए R माइनस T, और फिर आपका ये अंतिम समीकरण आपका है T गुणे K दिया है, T गुणे के। ये इस तरह से कोई भी समीकरण दिया होगा उसको हम दो दो अक्षरों के समीकरणों में तोड़ लेंगे, और जितने अक्षर दिए होते हैं उससे एक कम छोटे छोटे समीकरण बनते हैं, या जितने सिंबल होंगे जितने निशान होंगे उतने ही छोटे छोटे समीकरण बनेंगे। ये चार छोटे छोटे समीकरण बन गए, और इन चारों का मतलब निकाल लीजिए। इन चारों का मतलब निकालने के लिए सवाल में आपको सहायता दी गई है, सवाल में आपको बातें बताई गई हैं, आप वहाँ से हेल्प लेंगे, वहाँ से सहायता लेकर के हर एक समीकरण का मतलब निकालेंगे। मतलब जैसे बात की गई
पी भागे क्यू। अब पी भागे क्यू का मतलब क्या होगा, पी भागे क्यू का तात्पर्य क्या है, इसके लिए आप भाग वाले समीकरण को देखिए कि भाग वाले समीकरण में क्या बात कही गई है। अगर आप भाग वाले की बात करेंगे तो ये आपको मिला एम भागे एन। पी भागे क्यू को हल करने के लिए हम भाई भाग वाला निशान ये है, एम भागे एन को देखेंगे। अब यम भागे एन का तात्पर्य क्या है, एम माता है एन की, यम भाग का निशान है एन, एम भाग एन का तात्पर्य क्या है, यम माता है एन की, पहला अक्षर माता है दूसरे अक्षर की, यम माता है एन की। तो उसी तरह से पी भागे क्यू में क्या होगा, पी माता है क्यू की, पहला अक्षर दूसरे की माता, तो पी माता हो गई दूसरे की, क्यू की माता हो गई। अब ये क्यू प्लस आर इसको हल करना है तो हम प्लस वाले समीकरण को देखेंगे। अब प्लस वाले समीकरण में क्या तात्पर्य है, एम प्लस एन, ये देखिए प्लस वाला दिया हुआ है, इसका तात्पर्य है यम प्लस एन का तात्पर्य है कि यम पिता है एन का, एम पिता है एन का, यम पिता है एन का, पहला अक्षर पिता है दूसरे अक्षर का। तो ठीक उसी तरह से क्यू प्लस आर का अर्थ क्या होगा, क्यू पिता है आर का, कुछ नहीं करना आपको, बस आप जो दिया है उसी का मतलब देख करके आप मतलब लिखते चलो बस। आप साथियों अब बात करते हैं हम आर माइनस टी की, आर माइनस टी को हल करने के लिए हम माइनस वाला समीकरण देखेंगे और ये आपका है माइनस वाला समीकरण एम माइनस एन। अब एम माइनस एन का तात्पर्य क्या है, एम माइनस एन का तात्पर्य है एम भाई है एन का, यम भाई है एन का। तो उसी तरह से आर माइनस टी का मतलब क्या निकल आएगा, आर भाई है टी का, आप लिख लीजिए आर भाई है टी का। अब अंतिम समीकरण पर आते हैं, ये आपका दिया हुआ है टी गुणे के। अब टी गुणे के का मतलब इसको हल करने के लिए, इसका मतलब निकालने के लिए आप वापस सवाल में पहुंचिए और गुणे वाला आप समीकरण देखिए कि इसका मतलब क्या दिया हुआ है। तो ये मिला आपको यम गुणे यन। अब यम गुणे यन का तात्पर्य क्या है, यम पुत्री है यन की, मतलब ये यम पुत्री है यन की, यम पुत्री है यन की, पहला अक्षर पुत्री है दूसरे अक्षर की। तो उसी तरह से टी गुणे के का मतलब क्या होगा, टी पुत्री है के की, टी पुत्री है के की। ये इस तरह से आप इन समीकरणों को हल कर लीजिए, सवाल के हिसाब से ही, सवाल के अकॉर्डिंग ही, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको हूबहू वही चीज़ उतारनी है, अंतर इतना है वहाँ यम और यन है, यहाँ पी क्यू क्यू आर आर टी टी के अक्षरों में बदला हुआ है, बाकी सारी चीज़ों का मतलब वही है। आपने इस बड़े समीकरण को छोटे छोटे चार समीकरणों में तोड़ लिया और इस तरह से आपने मतलब निकाल लिया। अब ये जो आपने लिखा है इसको आप नीचे से ऊपर की ओर हल करिए, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर हल करके फिगर बनाएंगे थोड़ी मुश्किल होगी आपको, नीचे से आप ऊपर की ओर हल करते हुए आएंगे बहुत आसान हो जाएगा। अब आप इसको हल करिए, टी पुत्री है के की, इसका फिगर बनाइए, टी पुत्री है के की, टी पुत्री है, ये हो गया टी, और ये पुत्री है मतलब महिला है, अब किसकी पुत्री है, के की, इसका मतलब के इसके गार्जियन है, ऊपर बनेंगे। और अभी ये कन्फ्यूजन है कि के पिता है टी के की माता है, क्योंकि पुरुष और महिला कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है, टी पुत्री है के की, टी पुत्री है तो ये महिला हो गई क्लियर है, के की तो के की पुत्री नीचे ही होगी, के माता या पिता होंगे, अब पुरुष महिला क्लियर नहीं है छोड़ दीजिए। आर भाई है टी का, अब आर भाई है टी का, तो टी का भाई कहाँ बनेगा बगल में, आर, ये देखिए आर भाई हो गया टी का, आर भाई हो गया, ये भाई है पुरुष है इसीलिए चौकोचित बन गया, यानी ये दोनों भाई बहन। अब अगर टी के की पुत्री है तो आर के का पुत्र हो गया क्योंकि ये भाई बहन है, ठीक है। क्यों पिता है आर का, क्यों पिता है आर का, आर का पिता क्यों कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, और क्यों पिता है तो पुरुष हो गया, क्लियर हो गया। अगर क्यों आर का पिता है तो टी का भी पिता होगा। अब आप एक बात बताइए, टी और आर दोनों भाई बहन, इन दोनों भाई बहनों के गार्जियन ये भी हैं, इन दोनों भाई बहनों के गार्जियन ये भी हैं, ये पिता है तो ये क्या होंगे, माता हो जाएंगे इस तरह से, ये देखिए, और ये आपस में पति पत्नी। भाई अगर क्यू पिता है आर का तो टी का भी तो पिता है, और पहले कहा गया है टी पुत्री है के की, अगर टी के की पुत्री है तो आर के का पुत्र है, इन दोनों भाई बहनों के ये पिता हैं तो ये ऑटोमेटिक आप सामान्यतः अपने आप ही ये माता हो जाएंगी, की महिला हो गई और क्यू पुरुष हो गया, ठीक है। अंतिम बचा है पी माता है क्यू की, पी माता है क्यू की, तो क्यू की माता पी, पी माता है तो महिला है, ऊपर बन जाएंगी। इस तरह से सवाल आपका हो गया ख़त्म। अब आप एक दूसरे का कनेक्शन जोड़ लीजिए, दोनों भाई बहन, भाई बहनों की माता, सॉरी पिता, और ये माता,
और पिता की माँ, तो इन दोनों की ये दादी हो गई। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है समीकरण में पी का के साथ क्या संबंध है, पी का के साथ क्या संबंध है ये पूछा गया आपसे। तो के और क्यू हस्बैंड वाइफ, यानी के पति हैं क्यू और पति की माँ है पी, पति की माँ कौन होगा सास, इसका मतलब पी हो गई सास तो के हो गई बहू ये। और पूछा गया आपसे पी का किसका, पी का, तो आप पी की पोजीशन और पी का रिश्ता बताइए। इस सवाल का उत्तर होगा, विकल्प होगा, आंसर होगा सास। इस तरह से आप सवाल को हल करेंगे साथियों। रक्त संबंध चैप्टर में पहला टाइप वो इशारा करने वाला, संकेत करने वाला, परिचय देने वाला, फिर आपको एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पुत्री है, जेड ए की दादी है, तो जेड का एक्स के साथ क्या संबंध है या वाई के साथ क्या संबंध है, उस तरह के सवाल। और तीसरा ये आपका महत्वपूर्ण सवाल समीकरण वाला सवाल, आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि रीजनिंग में स्पीड बहुत मायने रखती है और लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अभी आपने अगर लोअर पीसेस का एग्जाम दिया होगा तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछा गया कि सवाल को 90% सवाल को हल किया गया और नीचे चार विकल्प दिए थे और सवाल में ये लिखा था कि बाकी 10% हल करने के लिए किस विकल्प की आवश्यकता होगी। तो सवाल को बहुत घुमाया जा रहा है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको तेज़ी से कर पाएंगे। और आपको बड़े समीकरण दिए जा सकते हैं और छोटे समीकरण दिए जा सकते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन इससे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका फिगर बन जाएगा तो इसमें से किसी के बारे में पी का आर से पूछें, आर का के से पूछें, के का क्यू से पूछें, आप सारे रिश्ते निकालोगे साथियों। रक्त संबंध के मेरे इन तीनों वीडियो में और ये पार्ट 3 का वीडियो, ये चैप्टर क्लोज हुआ। आपको कोई समस्या होती है, कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथियों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।